हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यवान एक बार फिर से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सत्या पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम वोकैब का एक छोटा सा सेशन लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब आपको पता होगा क्या होता है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा के हम क्या करते हैं, उसके एक ड्राइव फॉर्म बनाते हैं जो एज ए वर्ब की एक्ट करती है। ठीक है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि हमें लगता है कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लिख दी और उसके बाद एक और प्रीपोजिशन आ गई, तो हमें जब उसका मीनिंग नहीं पता होता है ना, तो हमें क्या लगता है कि दो प्रीपोजिशन आ गई तो वो सेंटेंस गलत हो गया। पर ऐसा हमेशा होता नहीं है। ठीक है, कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जिनका अलग से मीनिंग होता है, तो उनके बाद एक और प्रीपोजिशन आ सकती है। तो हम पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब। आज पढ़ेंगे हम फॉल के बारे में। ठीक है, इससे जो फ्रेजल वर्ब बन सकती हैं इसके बाद प्रीपोजिशन लगा के, वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे फॉल इन, ठीक है, फॉल आउट, फॉल ऑफ, फॉल एट, फॉल फॉर, फॉल थ्रू, एक और लिख लेते हैं फॉल फ्लैट। देखो ये सात हमने फ्रेजल वर्ब लिखी है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिख लूं, ही किल्ड देम, ही डाइड देम। अब यहाँ पे हमें कोई प्रीपोजिशन पढ़नी है। ठीक है, अब जब भी कभी वर्ब ट्रांजिटिव होती है तो उसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आता है, और जब वर्ब इंट्रांजिटिव होती है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं आता, कोई प्रीपोजिशन लिखी जाती है उसका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो हमें पता है ये जो किल वर्ब है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, उसने मारा, किसे मारा, देम, तो हमें पता है इसके बाद डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट आएगा आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा तो हमें यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना। पर जैसे ये डाई वर्ब है, अब ये डाई है हैपनिंग, और जो भी जितनी भी हैपनिंग वर्ब होती हैं सारी की सारी इंट्रांजिटिव होती हैं। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद कोई ना कोई इसका ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, कोई ना कोई प्रीपोजिशन हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपने सहूलियत के हिसाब से जो मीनिंग करेक्ट करते कोई भी प्रीपोजिशन लिख सकते हो। ही डाइड विद देम, ही डाइड बिकॉज ऑफ देम, ही डाइड बिफोर देम, मतलब कोई भी प्रीपोजिशन यहाँ पे बहुत सारी आ सकती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आती है और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमें ना फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये जैसे फॉल वर्ब लिख दी उसके बाद प्रीपोजिशन लिखी हुई है, तो हम जनरली ये लगा अनुमान लगा देते हैं कि इसके बाद एक और प्रीपोजिशन लिख दी तो वो गलत हो जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब देखो इनके ना क्या मीनिंग होते हैं वो समझते हैं। हमें इनको लिख लेना है एक बार और दो बार पढ़ लेंगे तो इनके मीनिंग याद हो जाएंगे। हो सकता है आपने कहीं कोई थ्योरी लगा के कुछ लगा के याद किया हो, पर ऐसी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है इनका। मतलब हम क्या करेंगे कि एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे, एक एक आप अपने आप से इनका एग्जाम्पल बना लोगे ना, तो उसके बाद इनकी याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जैसे फॉल इन का मतलब क्या होता है, टू एग्री। ठीक है, फॉल इन का मतलब होता है एग्री करना। अब फॉल इन का मतलब एग्री करना हो तो फॉल आउट का मतलब इसका ऑपोजिट हो गया, टू डिसएग्री। अब देखो हो सकता है कि आप इनको मतलब कोई निमोनिक बना के याद करें, अगर वैसे याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हम उन वैसे ही याद करें। हम क्या करें, इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लो रोहन फॉल इन विद हिज फ्रेंड्स इन द लास्ट इन द एंड, मतलब रोहन जो है ना अपने दोस्तों के साथ आर्ग्यू कर रहा था और लास्ट में उनकी बात से एग्री कर गया। वैसे ही रोहन आर्ग्यू कर रहा था, लास्ट में अपने दोस्तों की बात से डिसएग्री कर गया। तो कहने का मतलब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, आप जैसे आपका एक ग्रुप है, 10 दोस्तों का ग्रुप है, अब आप उनकी बातों से एग्री करते हो तो आप उस ग्रुप में शामिल हो। ठीक है, उनकी बातों से एग्री करते हो तो उस ग्रुप का एक हिस्सा हो। अगर जैसे आपने उनकी बातों से एग्री करना बंद कर दिया, आप नहीं बनते हो तो आप
ग्रुप से निकल लिए, तो उसका मतलब हो गया डिसएग्री। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो, कमल फॉल इन विद हिज फ्रेंड्स इन द एंड। ठीक है, अब देखो जनरली हमें क्या लगेगा कि ये इन प्रीपोजिशन आ गई उसके बाद विद प्रीपोजिशन आ गई तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया, पर ऐसा है नहीं, ये इन प्रीपोजिशन नहीं है, फॉल इन ये ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब है एग्री करना। अब ऐसे इसका लिख लो, कमल फॉल आउट विद हिज फ्रेंड्स इन द एंड। ठीक है, फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे अभी जो इंडियन इकोनॉमी है वो डाउन जा रही है, अभी मान लो कुछ भी जो चीज़ डिक्रीज कर रही है, अभी बारिश हुई थी कुछ टाइम पहले, तब जो हमारी जो रिवर्स हैं उनका लेवल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब क्या होगा, धीरे धीरे बारिश तो हो नहीं रही है, सर्दियां जाएंगी फिर गर्मियां आएंगी, तो उनका जो लेवल है ना वो डिक्रीज करेगा, तो फॉल ऑफ का मतलब यही होता है, टू डिक्रीज। ठीक है, अब इसका भी एग्जांपल आप चाहो तो लिख सकते हो, द इंडियन इकोनॉमी इज फॉलिंग ऑफ क्वार्टर बाय क्वार्टर, द इंडियन इकोनॉमी इज फॉलिंग ऑफ क्वार्टर बाय क्वार्टर। ठीक है, हर एक क्वार्टर के बाद डिक्रीज होती जा रही है, फॉलो इट। देखो ये जो इकोनॉमी वाला एग्जांपल है ना, ये अभी टेम्परेरी है, कुछ टाइम बाद अच्छी पॉलिसीज आएंगी, अच्छे कुछ गवर्नमेंट करेगी तो वो इंक्रीज भी करेगी, पर कहने का मतलब अभी डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब होता है फॉलो अप का मतलब टू डिक्रीज। फिर फॉल एट, फॉल एट का मतलब क्या होता है, फॉल एट का मतलब है टू अटैक। ठीक है, जैसे मान लो आर्मी वालों ने कोई टेररिस्ट देखे उन पे अटैक कर दिया, या फिर कोई जंगल में शेर ने किसी गाय पे अटैक कर दिया, इसका भी एग्जांपल लिख लो आप, द लायन फॉल एट द काउ। ठीक है, द लायन फॉल एट द काउ, लायन ने गाय पे क्या है, हमला बोल दिया। फॉल फॉर, फॉल फॉर का मतलब होता है, देखो इसका तो जनरली हमें पता भी होता है, किसी के लिए कुछ फील करना, किसी के साथ प्यार में पड़ जाना। ठीक है, जैसे इसका मतलब हम लिखना चाहें, टू फॉल इन लव विद समवन। ठीक है, किसी के साथ प्यार में पड़ जाना, यहां पे लिख लो, राहुल रियली फॉल फॉर द न्यू गर्ल, कि राहुल को भी जो नई लड़की आई है उससे सच में प्यार हो गया। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल ही हैं जिनके थ्रू हम इनको याद करेंगे, एक एक एग्जाम्पल मैं बोल दे रहा हूँ या लिख दे रहा हूँ, एक एक दो दो आप अपने आप से फॉर्म कर लो, और अभी जो 10 मिनट का वीडियो बनेगा मान लो, तो 10 मिनट में ये चीज़ें हम सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इनको लिख के रख दिया, लिख के रखने से कोई फ़ायदा हुआ क्या, वो तो हमारे पास पहले से ही है, कहीं भी देख लो बुक में कहीं भी मिल जाएगा, पर इनको अभी ना जैसे हम समझ रहे हैं, जैसे हम एग्जाम्पल बना रहे हैं वैसे बना बना के आपको याद करनी है। फॉल थ्रू एंड फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मतलब होता है, मतलब कोई भी काम किया और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, टू प्रोड्यूस नो रिजल्ट। ठीक है, और फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है, बहुत सारी मेहनत की उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिली, मतलब टू फेल। ठीक है, अब इनके भी एग्जांपल लिख लो एक एक। फॉल थ्रू का मतलब होता है बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी कोई भी, मतलब फेल हो गए हम, उसका जो है ना हमें सक्सेस नहीं मिली। और फॉल फ्लैट का मतलब होता है, फ्लैट का मतलब समझ रहे हो ना, एकदम सीधा, कोई भी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, फ्लैट से तो आप ये समझ भी जाओगे। इसका एक idiom भी होता है, टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक मतलब कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करना, बहुत सारी मेहनत की, ऑल एफर्ट लगाए, उसके बाद भी जो अंत है ना वो बिना कोई रिजल्ट के हो गया। ठीक है,
आफ्टर ऑल द एफर्ट्स दे फॉल फ्लैट, मतलब इतने सारे एफर्ट लगाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। और टू फेल का लिख लो, साइंटिस्ट साइंटिस्ट फॉल थ्रू मैनी टाइम्स बिफोर सक्सीडिंग। मान लो साइंटिस्ट कुछ इन्वेंट कर रहा है, कुछ नया खोजने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जब तक वो बनता है ना, उससे पहले बहुत सारे फेलियर वो देखता है। जैसे एडिसन ने कितनी बार फेल हुआ, थाउजेंड्स टाइम्स। तो वैसी बात है, साइंटिस्ट फॉल थ्रू मैनी टाइम्स बिफोर सक्सीडिंग। साइंटिस्ट फॉल थ्रू मैनी टाइम्स बिफोर सक्सीडिंग। एडिसन फॉल थ्रू थाउजेंड्स टाइम्स बिफोर इन्वेंटिंग द बल्ब। कुछ भी लिख लो, पर हमें इसका मतलब समझना है और इनको याद करना है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फॉल इन और फॉल आउट का तो समझ ही गए हो आप, ग्रुप से एग्री करना और डिसएग्री करना, ठीक है। फॉल इन का मतलब होता है एग्री करना और फॉल आउट का मतलब होता है डिसएग्री करना। ये एग्जाम्पल लिख लेना और सेम एग्जाम्पल लिख ले यहाँ पे, फॉल आउट कर देना, ठीक है। डिक्रीज का भी एग्जाम्पल बता दिया मैंने, फॉल अप का मतलब होता है डिक्रीज करना, ठीक है। फॉल एट का मतलब अटैक करना, फॉल फॉर का मतलब किसी के लिए कुछ फील करना, प्यार में पड़ जाना, ये आपको बहुत जल्दी याद होगा। उसके बाद फॉल थ्रू का मतलब फेल हो जाना, मतलब फॉल थ्रू से देखो समझो, बहुत सारी कोशिश की। जो थ्रू का मतलब क्या होता है, जो जो एफर्ट लगा सकते थे सब कुछ किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी फेल हो गए। और फॉल फ्लैट का मतलब बहुत सारे एफर्ट लगाए उसके बाद भी नो रिजल्ट, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, इन दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में कुछ और फ्रेजल वर्ब के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बाय एवरीवन।